नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, बड़ों को प्रणाम। कैसे हो सकोगे? मैं फिलहाल मैं आ चुका हूँ, सुबह का टाइम है, अभी 8-9 बज रहे हैं और ये खेत का जो हाल है फिलहाल का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी खेत हैं जो अभी भी धान बोए हैं, ग्वार है, मोट है खेतों में, तो बीजान होने के बाद बारिश नहीं हुई है, तेज हवाएं चल रही है, इसलिए टीलों में जो धान है वो भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि आंधी से जो रेत उठ रही है उससे वो उखड़ रहे हैं, तो काफ़ी स्थिति खराब है किसानों की। फिलहाल मैं खेत में और आपको दिखाता हूँ खेत का पूरा दृश्य। हाथ में कमंडल काली माला मारा गुरु जी, थाने मनावण में आया। गुरु जी मेहरबान करेंगे जरूर। ये है जो दोस्तों बंजर है पास में, इसमें अभी तक बीजान नहीं हुआ है और लगभग खेतों में चारों साइड में बीजान हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक बंजर है, इसमें बीजान नहीं हुआ है। तो ये है धान, आपको दिख रहे होंगे, इसमें मोट की बीजान है, मोट है, ये देखो दिख रहे हैं, अभी तक छोटे छोटे हैं, निकलते हुए हैं। ये धान है खेतों में, तो आपको सुंदर दृश्य, अब मैं आपको जाते वक्त दृश्य, रास्ते का दृश्य भी दिखाऊंगा, तो देखते रहो दोस्तों। ये है खेत में कुंड बनाया है और यहाँ पे देखो आपको बंजर दिखाई देगा, कुंड के पास पास में काफ़ी बेहती में दूरी में, तो इसमें देखते हैं पानी कितना है अभी तक। आधे से कम है शायद, पूरा इतना नहीं है। आप सोचते होंगे कि इसके अंदर पानी कहाँ से आता है, टैंकर से नहीं गिराते इसमें पानी। इसमें आपको दिख रहा होगा ये बार बंजर, जो ये देखो यहाँ पे मुल्ट बोलते हैं अपन, वो चिकनी मिट्टी होती है ना, वो डाली हुई है यहाँ पे चिकनी मिट्टी, वो वर्षा होती है ना, तो ये इस तरफ में ढलान की हुई है कुंड के तरफ में, तो वर्षा होती है तो यहाँ का पानी है जो इकट्ठा होके कुंड के अंदर जाता है, और पाइथन पानी बोलते हैं अपन, पाइथन बना हुआ है ये देखो, ये मुखी है, इसके अंदर से पानी जाता है कुंड में और बहराव कुंड भर जाता है पानी तेज वर्षा होने तक। दोस्तों ये है एक राजस्थानी सोच के साथ बनाया गया है, इसमें ये पाइथन से जो वर्षा का पानी है जिसको हम एकत्रित करते हैं और बहुत ही अच्छा बचाव कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा दृश्य है। तो फिलहाल चलते हैं आगे, तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं घर की ओर, खेत से निकले। साथी आला
वो काफ़ी ख़राब है। अब खेतों के चारों ओर मतलब तार भी कर दिए हैं किसानों ने, बहुत मेहनत की है, पहले बाग की है फिर तार की है, काफ़ी मेहनत लगी है किसानों के लिए। फिर ऊपर से महंगाई भी बहुत काफ़ी है, डीजल भी बहुत महंगा हो रखा है। आज 8-10 दिन हो चुके हैं बिना नोटते हुए खेत में, लेकिन तेज हवाओं से फसल है वो खराब हो गई। और जो आपको सामने दिखता है, अगला सामने दिख रहे ये आ रहे हैं जानवर, हम क्या बोलते हैं इसको, भेड़। हाँ, भेड़ आ रही है। अब ये ले जा रहे हैं एरिए में चराने के लिए। भाई कह रहे हैं हालात काफी खराब है भाई। अब ये जा रहे हैं इनको चराने के लिए एरिया में ले जा रहे हैं। काफी महीने वहां पे रहेंगे, 3-4 महीने रहेंगे, तब तक ये फसल है जो वीरानी पक जाएगी, ग्वार और नोट सभी वापस आ जाएंगे।